नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। आपने सुना होगा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये कहावत फिलहाल बॉलीवुड पर काफी ज्यादा सटीक बैठ रही है। ग्लैमर से चमकती इस दुनिया के दूसरे पहलू पर आप गौर करेंगे तो आपको ये इंडस्ट्री कास्टिंग काउच, लव अफेयर्स, टूटते हुए रिश्ते और ड्रग एडिक्शन जैसी चीजों से घिरी हुई दिखेगी। और जैसा कि हम देख रहे हैं, सुशांत केस से शुरू हुई जांच आज ड्रग कनेक्शन पर आकर रुक गई है, जिसमें कई चर्चित चेहरे एक एक करके सामने आ रहे हैं। आगे हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले आप रवीना टंडन के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें वो लिखती हैं कि हाई टाइम फॉर क्लीन अप टू हैपन, वेरी वेलकम, विल हेल्प आवर यंग फ्यूचर जनरेशन, स्टार्ट फ्रॉम हियर, श्योरली प्रोसीड टू ऑल सेक्टर्स, अप्रूट इट फ्रॉम इट्स कोर, पनिश द गिल्टी यूजर्स, द डीलर्स और सप्लायर्स, द प्रॉफिटिंग बिग गाइज ऑन द टेक, हु गिव इट अ ब्लाइंड आई एंड रुइंड पीपल। यानी रवीना इसी इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए सीधे तौर पर ये कहना चाह रही हैं कि अब वक्त आ चुका है बॉलीवुड में हो रही कुरीतियों को साफ करने का, इंडस्ट्री से ड्रग्स का सफाया करने का। ये इंडस्ट्री में आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। यहाँ से शुरू करें और फिर सभी सेक्टर्स की जाँच करें, इसे जड़ से उखाड़ कर ख़त्म कर दें, यूजर्स, डीलर्स और सप्लायर्स सभी को सजा दें, उन बड़े लोगों को भी सबक सिखाएं जो आंखें बंद करके लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। ड्रग का मामला तो काफ़ी दिनों से चर्चा में है, लेकिन रवीना की ओर से ये बयान तब आया जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद एक एक करके ड्रग्स के तार खुलने लगे। हाल ही में दीपिका पादुकोण का भी नाम सामने आया, जिन्हें अधिकतर लोग अपना रोल मॉडल समझते हैं। ऐसे में उनका इस लिस्ट में नाम आना हर किसी के लिए चौंकाने वाला है। रवीना ने अपने ट्वीट में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि वो भी दीपिका का नाम सामने आने से काफ़ी हैरान है और चाहती हैं कि इस पूरे गैंग का नाम निकल कर सामने आए।